नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। चॉकलेट सॉस बहुत प्रकार से बनते हैं, पर आज मैं आपको दो प्रकार से चॉकलेट सॉस सिखाने वाली हूँ, जिसकी सामग्री लगभग हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये झटपट 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। चॉकलेट सॉस की जो दूसरी रेसिपी है वो ज़्यादातर बेकरी वाले यही मेथड से सॉस तैयार करते हैं। तो चलिए दो प्रकार की चॉकलेट सॉस बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए मैंने 1/4 कप डच कोको पाउडर लिया है। डच कोको पाउडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर होता है। जो 50 ml का मेजरिंग कप है मैंने वो नाप से कोको पाउडर लिया है। 1/2 कप घर की पिसी हुई चीनी, जो 100 ml का मेजरिंग कप है मैंने वो नाप से लिया है। आप यहाँ पे साबुत चीनी भी ले सकते हैं, पर मैं हमेशा मेरे घर में ऐसे ग्राइंड की हुई चीनी ही यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैं वो ले रही हूँ। 1 teaspoon कॉर्नफ्लावर, 1 tablespoon बटर, मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्टेड बटर से सॉस बहुत ही टेस्टी बनता है। 1/2 कप प्लस 1 tablespoon में पानी डाल रही हूँ। मैंने 100 ml का मेजरिंग कप आता है वो नाप से पानी लिया है। अब हम विक्स की सहायता से सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सॉस है, इसकी सामग्री हमारे घर पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। ये सॉस फ्रीज में 15 दिन तक बहुत ही अच्छा रहता है। हमारी सारी सामग्री बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। मैंने सॉस को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है, इसे हम धीमी आंच के ऊपर उबालेंगे। हमें 2 से 3 बॉयल ही लाने हैं। मैं इसे लगातार स्टर करते हुए कुक कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर नीचे स्टिक हो जाएगा। जब बटर पिघल जाए और बॉईल आना थोड़ा स्टार्ट हो जाए, तभी मैं आंच को थोड़ा तेज कर दूंगी और इसे 2 से 3 बॉईल आने तक कुक करूंगी। आप इसे लगातार स्टर करते हुए कुक कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, मैं आंच को बंद कर देती हूँ। मैं आपको चम्मच की सहायता से इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा होगा, हमें इस प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। दोस्तों, ये सॉस ठंडा हो चुका है और स्पैचुला की सहायता से जो भी साइड में सॉस लगा है उसे मैं निकाल लेती हूँ। सॉस बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने जो कंसिस्टेंसी रखा था उससे ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। आप इसे फ्रीज में स्टोर करेंगे तो इससे भी गाढ़ा हो जाएगा। आपको जो रेसिपी में जैसी कंसिस्टेंसी वाला चॉकलेट सॉस चाहिए, उस हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कीजिए और इसका उपयोग कीजिए। हमारा चॉकलेट सॉस जो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से तैयार हुआ है वो बनके तैयार है। ये मेरा फर्स्ट चॉकलेट सॉस का रेसिपी है। अब मैं आपको दूसरा वाला चॉकलेट सॉस सिखा रही हूँ, जो ज़्यादातर बेकरियों में बनाया जाता है। उसके लिए मैंने लिया है, मैं 1/2 कप आइसिंग शुगर ले रही हूँ, 1/4 कप कोको पाउडर, मैंने यहाँ पे डच कोको पाउडर लिया है। पहले मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। ये चॉकलेट सॉस बहुत ही इजी है, इसको बनाने की सामग्री लगभग हमारे घर पे मिल जाती है। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप कोको पाउडर से भी ये बहुत ही बढ़िया चॉकलेट सॉस तैयार कर सकते हैं। हमारी सारी सामग्री बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तब मैं इसमें 1/4 कप सिंगल क्रीम डाल रही हूँ, मैंने अमूल का क्रीम लिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, टोटल मैंने 1/2 कप पानी लिया है। अब हम सारी सामग्री को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं सॉस को हाई पावर पे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप ये सारी प्रोसेस गैस के ऊपर भी कर सकते हैं। 30 सेकंड्स होने के बाद में मैंने बोल को माइक्रोवेव से निकाल लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक बोल के अंदर 1/2 teaspoon कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें मैं 1 tablespoon पानी डाल रही हूँ। मैं दोनों सामग्री को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मैं कॉर्नफ्लावर की आधी स्लरी ही इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
अब मैं सॉस को 30 सेकंड्स के लिए हाई पावर पे माइक्रो करूंगी। मैंने माइक्रो करने के बाद में बोल को बाहर निकाल लिया है और जो बची हुई स्लरी है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जब भी आप माइक्रोवेव में सॉस बनाएंगे तभी कभी भी एक साथ में कॉर्नफ्लोर की स्लरी आप ऐड मत कीजिए, इससे बहुत सारे लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे बारी बारी आप इसमें ऐड कीजिए। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे वापस 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी। माइक्रोवेव में से निकालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ, हमें इस प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब मैं बोल को साइड में रख देती हूँ और सॉस को ठंडा कर लेती हूँ। सॉस बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, मैं आपको इसे केक के ऊपर डाल के बताती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है और इसकी शाइन भी बहुत बढ़िया आई है। ज़्यादातर बेकरी वाले यही सॉस बनाते हैं और अपने केक को सजाते हैं। दोस्तों, ये सॉस के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और बिल्कुल बाहर के जैसा चॉकलेट सॉस आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। हमारे दोनों चॉकलेट सॉस बनके तैयार हैं, आप इस रेसिपीज़ को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।